फिल्म के टाइटल को लेकर बिल्कुल तो हम हमेशा कॉन्शस रहे हैं। जब भी मेरा कोई भी फिल्म का काम शुरू होता है तो सबसे पहले टाइटल पर मेरा वर्क होता है। ऐसा हो जो किसी और लैंग्वेज में ना हो, पहला प्रायोरिटी ये होता है। उसके बाद थोड़ा सा हम उसके कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देते हैं जो कि कुछ यूनिक हो, और ये कोशिश भी किए हैं करने का। के क्या बताना चाहेंगे, इसमें क्या नया खुलासा है, कुछ नई ट्विस्ट? फिल्म काफ़ी दिलचस्प है, यूँ कहें कि फुल रोमांस विथ कॉमेडी। और हमारे जो हीरो महोदय हैं, फर्स्ट टाइम इनका ये फिल्म से ही लॉन्च हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस फिल्म में इनका किरदार भी बहुत ही मज़ेदार है। मतलब एक दिल फेक आशिक, प्रेमिका तो है ही, लेकिन फिर भी रास्ते में अगर कोई मिल जाए तो चुकते नहीं है, दिल फेंकते ठीक जी, है। दिल फेंकते हैं। और तो ये हाँ जो दिल फेंकने वाला जो आपने इनको किरदार दिया है, जी, ये कहीं ना कहीं आपके, जैसे आप फिल्म के राइटर भी हैं, तो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ तो नहीं है? नहीं, मेरे लाइफ से जुड़ा नहीं है, मेरा लाइफ बिल्कुल साफ सुथरा है। और सर ये पूछना चाहूंगा, ये जो फॉरेन मॉडल है, क्या एक्ट्रेस कौन है ये फॉरेन मॉडल कोई एक्ट्रेस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आज मुहूर्त का दिन है, सारे कलाकार अभी साइन नहीं हुआ है, तो एक फिल्म का ये कॉन्सेप्ट है कि वो घर में तो है ही, घरवाली वाला कहानी तो है ही, ये बाहर में कहीं मिल गई तो बाबू साहब लग गए। जी, तो ग्लोरी जी हैं और ये हाँ, ग्लोरी जी हमारे फिल्म में हैं, आतिश कुमार भारद्वाज जी इनका नाम हुआ जो लीड एक्टर हैं। इधर हमारे बगल में हमारे को प्रोड्यूसर मनोज राय जी हैं। फिल्म का म्यूजिक घुंगरू जी का है, गीत आज जो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे वो सुमित सिंह चंद्रवंशी उनका है। जी, बात करें जो है, जो हीरो है उनके बारे में कुछ बताना चाहे, रियल लाइफ का और रियल लाइफ दोनों के बारे में? रियल लाइफ में तो ये ऑलरेडी फौजी हैं और रियल लाइफ में मनमौजी हो रहे हैं। ग्लोरी जी, आप कहना जी क्या कहना चाहेंगे, जैसे हीरो के बारे में बताया जाए कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों के बारे में बताया गया, जी तो आप क्या कहना चाहेंगे क्या ट्विस्ट में? देखिए, मैं भी आज फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ इनसे, तो और जैसे कि सर ने बोला कि ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहे हैं इस फिल्म के थ्रू, तो मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि आप जैसे फौजी हैं, जैसे देश के लिए लड़ते हैं, वैसे ही चक दे फड्डे इस फिल्म के लिए भी अच्छे से शूट वूट कीजिए, सब अच्छे से एक्सपीरियंस हो और फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हो और अच्छे से रिलीज हो के आप लोग के पास आए। इनके साथ आपकी जोड़ी जमने वाली है? वाह, अभी तो ये तो भैया डायरेक्टर सर ही बताएंगे कि इनके साथ जोड़ी है या विलन के साथ जोड़ी है, तो ये थोड़ा सस्पेंस रखता है। बट आप क्या जोड़ी जमाना चाहेंगे इनके साथ? भैया हम तो मोस्ट वेलकम, विलन के साथ जमा सकते तो हीरो के साथ क्यों नहीं, हम तो हमेशा रेडी ही रहते हैं जोड़ी बनाने के लिए। डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए, पूरी टीम की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? मैं फर्स्ट टाइम सर से जुड़ी हूँ और इन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं लिया। कल जब इन्होंने मुझसे बात किया था, उन्होंने विद इन 5 मिनट्स इन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया और साइन कर दिया, बोला कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। और मुझे ऐसे इंसान बहुत कम मिले इंडस्ट्री में जो कि इतना भरोसा दिखाते हैं, इतना पेशेंस दिखाते हैं। और मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस टीम में जुड़ के, एंड आई होप कि मैं सर के साथ आगे भी काम करूँ। कल खास दिन भी था ग्लोरी जी का, कल इनका बर्थडे था, तो अपने तरफ से ये फिल्म ही गिफ्ट कर दिए कि चलिए आप हैं हमारे फिल्म में। इससे अच्छा दिन हमको नहीं लगा, इसलिए कहे कि आज ही डन, 5 मिनट में बात हुआ, सारा कुछ डील हुआ, तुरंत पेमेंट जी क्लियर। क्या ग्लोरी जी, आपका जन्मदिन का खूबसूरत तोहफा मिला इस फिल्म के लिए। एक्चुअली मैं सच बोलूं, मुझे मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, मेरा फुल पेमेंट वगैरह सब क्लियर है और सर ने बोला तुम कुछ नहीं बोलोगी और आप आ रही हैं कल और हमारे फिल्म में आप काम कर रही हैं। प्रोड्यूसर से जानना चाहता हूं, ये कैसा? जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब बताए हैं और फिल्म की टाइटल बता रहे हैं कि ये कैसा इश्क है, अच्छा, तो फिल्म के टाइटल से ही पता चल रहा है कि आखिर में ये कैसा इश्क है। तो फिल्म का कैसे एक्टिंग का किरा कैसे लग गया, आप आर्मी नेवी से ताल्लुकात रखते हैं? वैसे देखा जाए तो हीरोपंथी हमारे पास तो पैदाइशी था। क्या बात है, पहले से ही हीरोपंथी था मेरे अंदर, बट शायद हो सकता है कि भगवान को लगे कि पहले तुम देश के लिए हीरो बन जाओ, उसके बाद फिर पर्दे के लिए। तो पहले जाके मैं देश के लिए हीरो बना और आज भी हूँ
और किस्मत ने साथ दिया। हमारे को प्रोड्यूसर हैं मनोज राय जी तो, और डायरेक्टर निहाल अहमद जी हैं, ये अपना सागर सिन्हा जी हैं, इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक फिल्म है, तो मुझे स्क्रिप्ट बताया। एक्चुअली पहले स्क्रिप्ट मुझे मनोज राय जी से ही पता चला, उसके बाद फिर मैंने बात किया था सागर सिन्हा जी से, उन्होंने भी स्क्रिप्ट बताया। मुझे बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट लगा और मुझे लगा कि नहीं इस फिल्म को करना चाहिए मुझे। तो क्या फिल्म का नाम है, ये कैसा इश्क है, तो आप इश्क को लेकर के क्या कहना चाहें और आपके लाइफ से जुड़ा हुआ इसमें इश्क की कुछ झलकियां दिखने को मिलेगी शायद कुछ कुछ, ये तो नहीं बोल सकते हैं कि रियल लाइफ मिले, बट हो सकता है कि कुछ वैसा फीलिंग्स दिखे। वैसे भी इश्क कोई जान नहीं पाया है आज तक, जो शादी कर लिए, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या जिन्होंने कभी किया ही नहीं, उनको ये कैसा इश्क है, ये कैसा इश्क है ही लगता है। तो ये अभी पूछे कोई मतलब नहीं है, जो फिर तो जो भी होगा अभी आप लोगों का क्वेश्चन है ये कैसा इश्क है पता चलेगा, और जब इश्क हो जाएगा ये कैसा इश्क है। और दिल फेक आशिक है तो बहुत खतरा होता है दिल फेक आशिक को। आपको खतरा नहीं है। आपको बिल्कुल खतरा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली स्क्रिप्ट का ही ऐसा है कि ये कैसा इश्क है तो दिल फेक आशिक तो है, और मुझे अच्छा लगा ये स्क्रिप्ट का थीम, मुझे अच्छा लगा कि कुछ नया चीज, मतलब कि मुझे लगा जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में आ रहा है, और एक जब हमें इस स्क्रिप्ट के बारे में कुछ डीपली जब बताया था नयाल अहमद सर ने, तो मुझे लगा कि नहीं जो आज तक मैंने देखा शायद कुछ उससे हटके है और इस फिल्म को करना चाहिए हमें। मनोज जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, को प्रोड्यूसर हैं आप, नए कलाकार को कास्ट किया है, बहुत रिस्क होता है किसी नए कलाकार को फिल्म बना के। एक्चुअली हम बहुत पहले से भोजपुरी से लगाव रखते आ रहे हैं, क्या बात है, और देश से लेकर विदेश तक भी मैंने सफ़र किया है, और मेरे दिल में एक लगन था कि अपने स्तर पर एक भोजपुरी मिट्टी से जब हम जुड़े हुए हैं और इसका बहुत हम मान सम्मान करते हैं, इस वजह से मेरा यह प्रयास था बहुत समय से एक ऐसा भूमिका तैयार किया जाए जो भोजपुरी का एक मान सम्मान के साथ एक प्रारूप तैयार हो और पर्दे पर दिखे, और उस हिसाब से दिखे कि कोई भी अगर थिएटर तक पहुंचे तो उसको ये फीलिंग नहीं हो कि मेरा टाइम जो है वेस्ट हो गया, पूरी के पूरी उनका जो टिकट का पैसा है वो सारा वसूल हो जाए। उस हिसाब से मैं बहुत पहले से इस चीज़ के लिए सर्च कर रहा था, तब तक सर्च करते करते सागर सिन्हा जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे बात विचार होने लगी, उनसे बात हुई कि एक अलग हट के स्क्रिप्ट तैयार कीजिए और मैं चाहता हूँ कि उस स्क्रिप्ट को पर्दे तक दिखाऊं। तो तब तक ये कैसा इश्क है इस स्क्रिप्ट के बारे में मैंने पढ़ा, पढ़ते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा लव स्टोरी भी है इसमें और काफ़ी मज़ेदार फिल्म है, और कोशिश रहेगी कि इस फिल्म को एक अलग प्रारूप तैयार करके पर्दे पर तक पहुंचाया जाए और सक्सेस हो। और जब इनसे सागर सिन्हा जी से मुलाकात हुई तो चूंकि ये बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, तो इनके ऊपर मुझे बहुत भरोसा था, बहुत पहले से काफ़ी समय से मिला भी था, तो उस हिसाब से मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था कि एक अलग हटकर भोजपुरी तो भाषा हमारी मतलब मान सम्मान है, उस हिसाब से इस भाषा में एक ऐसा स्क्रिप्ट तैयार कीजिए ताकि लोगों को इससे फिल्म देखने के बाद ये लगे कि नहीं ये भोजपुरी फिल्म जो है पर्दे पर सक्सेसफुल है और किसी को अफसोस नहीं हो। इस वजह से मैंने इस स्क्रिप्ट के बारे में रिकॉर्डिंग और जो भी होगा, कलाकार तो बहुत सारे लोग हैं, इसमें कॉमेडी भी है, महेश आचार्य जी इसमें कॉमेडी का रोल करेंगे, आतिश भारद्वाज जी से भी मुलाकात हुई, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं, तो हीरो को रोल में है, और ग्लोरी जी जो है अपना आइटम सॉन्ग्स के लिए अभी तक चयनित किया गया है, और इसी हिसाब से हमारा सारा टीम
एक समर्पित है और अच्छी फिल्म के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। टाइटल बहुत ही सुंदर है, ये कैसा इश्क है। तो आज इस फिल्म का मुहूर्त है और आज एकाध गाने की डबिंग भी है। फिल्म के डायरेक्टर हमारे भाई सागर सिन्हा जी हैं और प्रोड्यूसर मनोज राय जी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुहूर्त का टाइम ही एक ऐसा टाइम होता है, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। तो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं इस फिल्म के साथ। जैसे बाकी फिल्मों में जी तोड़ मेहनत करते हैं हम लोग, इस फिल्म के भी म्यूजिक में काफ़ी मेहनत हम लोग कर रहे हैं ताकि कुछ अच्छा म्यूजिक दे सकें। सर, फिल्म के गीत संगीत को लेकर बात की जाए, क्या कहना? फिल्म के गीत संगीत को लेकर बात ये कहना चाहेंगे कि अभी तो आज एक गाने की रिकॉर्डिंग है, बाकी सिचुएशन स्टोरी के हिसाब से दिया गया है, हम लोग उस पर गाने बना रहे हैं और फिल्म के कहानी के हिसाब से जैसा गाना होना चाहिए उस तरीके का गाना कुछ हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म के जो स्टार कास्ट बाद जो हीरो हैं वो रियल में हीरो हैं, यानी कि देश के सिपाही हैं और फिल्म में भी हीरो बन के आ रहे हैं, उनकी पहली फिल्म है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसा रेयर देखने को मिलता है कि एक फौजी और एक हीरो, ये कैसा इश्क। तो ये एक बड़ा एडवांटेज इस फिल्म को है कि देखते हैं कितना इस फिल्म में अपनी अच्छी भूमिका निभा पाते हैं हम लोग। चूँकि इन निकलवाना तो इनको है, मेन डायरेक्टर हमारे सागर सिन्हा जी हैं, तो अब इनके ऊपर ही पूरा खेला है, सारी कलाकारी इनके ऊपर है। तो अब हम लोग भी इंतज़ार में हैं कि एक अच्छी फिल्म बन रही है तो अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें ताकि लोगों तक एक अच्छा मैसेज पहुंचे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर के, स्टार कास्ट के बारे में बताना चाहेंगे, कौन कौन कलाकार नजर आएंगे पूरी फिल्म में? फिल्म में मुख्य कलाकार के रूप में तो आतिश भारद्वाज जी हैं ही, उनके अपोजिट अभी फीमेल आर्टिस्ट का सिलेक्शन बाकी है, ठीक है। और विलन में हमारे अयाज खान जी हैं, बहुत ही अच्छे किरदार में वो नजर आएंगे। कॉमेडी में आपका महेश आचार्य जी हैं और कुछ कलाकार का सिलेक्शन अभी बाकी है, क्योंकि ग्लोरी जी आइटम डांस में है और बाकी सिलेक्शन तो अभी बाकी है। अब कल से उस प्रक्रिया में भी हम लोग लगेंगे, तत्काल आज एक गाने से शुरुआत करना है अभी और उसके बाद फरवरी माह में शूटिंग की तैयारी है। फिल्म का पब्लिक कब तक देख पाए? मई जून कहा जाए जी। गुरु जी, जैसे कि अभी छठ पूजा चल रहा है और आज से शुरुआत हो गई है छठ पूजा का, पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से छठ पूजा को लेकर? अपने तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि दीपावली तो बीत गया, दीपावली के 6 दिन बाद छठ होता है, दीपावली और छठ की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस बार छठ का बहुत सारा गीत मैंने बनाया भी है और बहुत सारे कलाकार उसको गाए हैं, अक्षरा सिंह जी ने गाया, मेघा श्रीराम गाए हैं, रेनी चंद्र, बाकी वगैरह वगैरह बहुत सारे कलाकार गाए हैं। छठ तो खास करके बिहार, यूपी और झारखंड के लिए आज ये पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बड़े लेवल पे धूमधाम से मनाया जाता है। तो छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और जिस फिल्म के मुहूर्त में हम लोग आज आए हुए हैं, जल्दी ही इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। आप लोग दुआ करिए, आशीर्वाद करिए कि फिल्म अच्छे से बने और फ्लोर पे आए ताकि आप लोग उसको देख सकें। छठ पूजा की बात हो तो आपकी भी अपनी म्यूजिक कंपनी लवली म्यूजिक, उसके भी कई गाने आए, तो बताना चाहिए कौन कौन गाने छठ पे लेके आए? हाँ, लवली म्यूजिक वर्ल्ड से भी बहुत सारे गाने आए हैं जिसमें काफी सारे कलाकार गाए हैं, मेघा श्रीराम, रेनी चंद्रा, मोनू अलवेला हमारे चैनल का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ सितारा है, तो बहुत सारे कलाकार गाया है हमारे चैनल में, और उन लोगों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और छठ तो समझिए कि आप लोग का भी बहुत ही प्यारा त्यौहार है, तो क्या बोलना चाहेंगे, छठ माता को अपने तरफ से प्रणाम करते हुए सब लोग को छठ की बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। दो लाइन छठ का गाना हो जाए जो आपकी म्यूजिक कंपनी से आया है। कौन सा गाना गाऊं? छठी माई के
नजर जब पड़ी बालम तबे गोदी भरी ये कहे कोई माई चाहिए होई ये कहे कोई माई चाहिए होई असो घाटे चल करी भुइया परी छठी माई के नजर जब परी बालम तबे गोदी भरी ये गाना थैंक यू।